अबीर ने लिया एक बड़ा फैसला कि वो इस बार मिष्टिका नहीं बल्कि देगा अपने भाई कुणाल का साथ। जाने अनजाने में एक बार फिर अबीर ने तोड़ दिया है मिष्टी का दिल। एक बार फिर उसने कर दी है हिस्ट्री रिपीट, जहां पर मिष्टी की बात ना सुनते हुए उसने अपने ही नानकू का साथ दिया। तो अब आप अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे लवर्स तड़पते हुए एक दूसरे के आवाज़ सुनने के लिए बेहाल आएंगे नजर। दरअसल होगा कुछ यूं कि जैसे ही मिष्टी भाग कर जाएगी रिसेप्शन एरिया में, वो देखेगी कि अबीर, कुणाल और कुहू निकल चुके हैं उसे छोड़कर वहीं रिजॉर्ट में घर के लिए। लेकिन जैसे ही मिष्टी बार बार अबीर से बात करने के लिए कॉल करेगी, कॉल पिक नहीं करेगा अबीर गुस्से में। लेकिन वहां बैठे कुणाल और कुहू इस बात को साफ देख पाएंगे कि कितना ज्यादा रूडली अबीर बिहेव कर रहा है मिष्टी से और उसका फोन तक नहीं उठा रहा है। सडनली अबीर का फोन स्विच ऑफ हो जाएगा और वो सुनसान रास्ते में फंस जाएगा। वहाँ पर उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर वो मिष्टी से बात करे तो कैसे, क्या मिष्टी ठीक है, क्या मिष्टी बार बार फ़ोन कर रही थी, उसके पीछे कोई परेशानी तो नहीं। ये सारे सवाल अबीर के दिमाग को घेर लेंगे और वो बड़ा ही रेसलेस होकर कहीं एक फ़ोन देखने की जुगाड़ में निकल जाएगा। तो दूसरी तरफ मिष्टी बैक टू बैक अबीर को कॉल करेगी, लेकिन जब अबीर का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगेगा, मिष्टी को होगी काफ़ी ज़्यादा टेंशन और वो रो रो कर बुरा हाल कर लेगी अपना। आप देखने वाले हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में वो तड़प का सीन जो अब तक आपने इन दोनों की लव स्टोरी में नहीं देखा है, जहाँ अबीर फाइनली एक टी स्टॉल फाइंड करेगा, जहाँ पर वो टी स्टॉल के ओनर से कहेगा कि मुझे एक कॉल करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो जैसे ही अबीर फ़ोन मिलाएगा मिष्टी को, उसका फ़ोन नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ जब मिष्टी अबीर को कॉल कर रही होगी तो वो बताएगा स्विच ऑफ। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जिस तरीके से इन दोनों लव बोर्ड्स की जुदाई का सीक्वेंस राइटर्स ने लिखा है, आखिर इन दोनों का मिलन भी कुछ ग्रैंड और स्पेशल तो जरूर बनता है।